प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना संक्रमण की चुनौतियों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग AD हेल्थ डॉक्टर JP मणि त्रिपाठी, CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाएं और अधिक से अधिक टेस्टिंग करके लोगों को बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने होम आइसोलेट किए गए मरीजों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए देखभाल करने के निर्देश दिए। सबसे महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि अब OPD हर जगह प्रारंभ हो जानी चाहिए। सर्कुलर भी कर दिया है। जहां तक PHC और CHC का सवाल है तो उसकी OPD का निर्देश तो शासनादेश बहुत पहले हो चुका है। मैं समझता हूँ कि वहाँ क्या हो भी रहा होगा, लेकिन जो जिला अस्पताल है या महिला चिकित्सालय है इनमें जो आवश्यक सेवाएं हैं, NCD क्लिनिक, ANC वगैरह का तो आदेश हुआ था, उसमें जनरल OPD का नहीं हुआ था, वो भी अब आदेश हो गया है। DG साहब ने सर्कुलर कर दिया है, उसमें जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का और जो बाकी है सब लोग मास्क वास्क लगाए उन सब का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये हमको प्रारंभ कर देना हर जगह। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसको शुरू भी कर लिया होगा, आदेश उन्होंने कल या परसों कर दिया था। अब कल से मुझे आप लोगों से उसका डेटा भी चाहिए कि आपके यहाँ OPD में कितने लोग आ रहे हैं, PHC पर कितने, PHC पर कितने आए OPD में और CHC पर कितने आए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने आए, कितने आए, इसका डेटा भी चाहिए। आपने इसका कुछ ना कुछ इनका दे दिया कल से, वो डेटा हमको चाहिए और फिर बाद में आपको मंडे से थोड़ा आपको कंपैरेटिव डेटा भी देना पड़ेगा। ये हम लोग समझ सकते हैं कि जितना लास्ट ईयर आपका होता था उतना इस बार नहीं होगा, तो थोड़े कम लोग आएंगे, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड है लोगों की हेल्थ केयर की वो डिमांड तो अपनी जगह है ही है, तो इसलिए वो दिखाई पड़ना चाहिए कि उनको सेवाएं भी अब प्राप्त होनी शुरू हुई। बहुत दिन से हम लोगों ने इसको होल्ड कर रखा है, उससे कोविड के अलावा जो बाकी चीजें हैं उनसे ज्यादा लोगों को परेशानी हो सकती है। दूसरी बात यह है OPD के अलावा जो सेकंड बात यह है कि 1 अक्टूबर से हमारा संचारी रोग अभियान शुरू हो रहा है और जो संचारी रोग अभियान शुरू हो रहा है उसमें आप लोगों को 1 अक्टूबर से पहले बहुत सारी गतिविधियां करनी थी, जिसमें आपके 21 तारीख को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग होनी थी, लेकिन मुझे बताया गया है कि आपके 10 जिले में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। 48 जिलों में तो वहाँ के जिलाधिकारियों ने चेयर किया, 17 जिलों में मुख्य विकास अधिकारी या अन्य कृषि अधिकारी ने चेयर किया, 10 जिलों में DTF की अभी तक कोई डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की कोई अभी तक सूचना नहीं प्राप्त हुई। और ये 10 जिले हैं पीलीभीत, देवरिया, गोरखपुर, फरुखाबाद, झांसी, कानपुर देहात, रायबरेली, रामपुर, बलिया और वाराणसी। तो जरा ये बताएंगे पीलीभीत आपके यहाँ क्यों नहीं हो पाया? तो ये रखी गई है सर, DM सर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो थोड़ा उसी में डिले हो गया सर। कल हमारे CDO साहब जो इंचार्ज DM है उनके अध्यक्षता में कल 11 बजे है सर। तो आपको ये पहले करना चाहिए था ना, आपके DM साहब तो पिछले 3 दिन हुआ सर, तो ये पहले करवाना चाहिए CDO साहब के द्वारा सर। माइक्रो प्लान्स के लिए पहले ही कह रखा है सर, माइक्रो प्लान आने शुरू हो गए हैं और ये समन्वय की बैठक कल हो जाएगी। नहीं, 1 तारीख का समय क्या मतलब है? जी सर, कल हर हालत में हो जाएगी। कल भी आप लोगों को मैंने उधर डाल दिया था अपने ग्रुप में सभा, इसमें 9 बिंदु उसमें लिखे हुए थे, इसमें 10वां बिंदु है कि होम आइसोलेशन का है, उसको आप लोग ध्यान दे देंगे, क्योंकि जब ये जाएंगे अधिकारी कल सब पहुंचेंगे, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव,
साथ में विषय सचिव और मेडिकल एजुकेशन के अधिकारी और जो नोडल अधिकारी है इसके स्वास्थ्य विभाग के, इन सबकी चार बाद ये 16 जिलों से माननीय मुख्यमंत्री जी रविवार को शाम में वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे और फिर उन जिलों की वो समीक्षा करेंगे, पूछेंगे उनमें जो नोडल अधिकारी है उनसे पूछा जाएगा। तो आप लोग जरा सा 16 जिले जो है ये जरा सा आप इसको अपना जो 10 बिंदु उसमें 9 बिंदु कहते हैं 10 पॉइंट होम आइसोलेशन का, इसको एक अच्छा सा रिव्यू कर लीजिएगा, इसका एक अच्छा सा रिव्यू कर लीजिए और देख लीजिए कि कहाँ पर हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो विशेष ध्यान है वो 2-3 बातों पर है, एक तो ये कि अच्छी टेस्टिंग करके पॉजिटिविटी रेट को 5% से नीचे लाना, एक तो महत्वपूर्ण बिंदु ये है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं आप उस पे जो भी एंटीजन निगेटिव हो लेकिन सिम्टोमेटिक केस है उनका आरटीपीसीआर से टेस्ट अवश्य होना है। तो उसमें जैसे आपको मैंने एक मैसेज भी आपके ग्रुप में डाला था कि अगर आपका स्टाफ जो है जो एंटीजन टेस्ट कर रहा है अगर रिजल्ट वहीं के वहीं उस समय बता रहा है वहीं पर, तो जो निगेटिव आए उनके सिम्टोमेटिक का सैंपल ले ले, अगर वहीं के वहीं नहीं बता रहा है तो आप एक एक्स्ट्रा सैंपल लीजिए सिम्टोमेटिक लोगों का, एक एंटीजन का भी लीजिए और जो आरटीपीसीआर के लिए भी सैंपल ले लीजिए, ठीक है। आपका आप एक वीडियो फाइल की चिंता न करिए, जो सिम्टोमेटिक है आपके सिम्टोमेटिक और एंटीजन निगेटिव है उनका टेस्ट होना ही होना है, तो इसलिए आप उसके दो सैंपल शुरू में ही लीजिए सिम्टोमेटिक्स के, ताकि ये नहीं हो कि आप उसको सिम्टोमेटिक चढ़ाए जो आप लोग चढ़ाते हैं फील करते हैं उसको केयरफुली फील करिए। तो आप सिम्टोमेटिक चढ़ाते हैं वही देखा जाता है आईसीएमआर को, फिर आईसीएमआर से वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लौट के आता है कि आप लोगों ने केवल 25% जो निगेटिव आए थे एंटीजन में और जो सिम्टोमेटिक थे उसको आपने केवल 25% टेस्ट किया, और ये डेटा तो जाता है प्रधानमंत्री जी के पास भी, वो मुख्यमंत्री जी के साथ करते हैं तो वहां पर भी वो लोग दिखलाते हैं